Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए दो आतंकवादी पाकिस्तान से थे और लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे, इस बात की जानकारी सेना ने दी है। राष्ट्रीय राइफल सेक्टर 5 के कमांडर ब्रिगेडियर दीपक देव ने बताया है कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान उस्मान और उमर के रूप में हुई, जो पाकिस्तान मूल के थे और लश्कर से भी जुड़े थे। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में बुधवार को हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए थे जबकि दो सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सुबह बारामूला के वाटरगाम इलाके में घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू कर दिया, जिसके बाद आतंकवादियों ने सेना पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया, वहीं दो जवान घायल भी हुए। सेना अधिकारी ने बताया है कि ऑपरेशन के बाद आतंकवादियों से काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से बारामूला जिले के सोपोर राफलाबाद इलाके में एक आतंकवादी समूह की आवाजाही की लगातार सूचना मिल रही थी। बुधवार को जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए विशेष खुफिया जानकारी मिली थी कि रफियाबाद इलाके के हादीपुरा गांव के एक घर में दो आतंकवादी छिपे हुए हैं। इसके बाद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक संयुक्त अभियान शुरू किया और तेजी से इलाके की घेराबंदी कर दी। ब्रिगेडियर देव ने कहा कि मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नागरिकों को आसपास के घरों से सुरक्षित निकाला गया और इलाके को सुरक्षित कर लिया गया। टारगेट वाले घर की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई और तलाशी शुरू होने के बाद आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि इसके बाद हुई गोलीबारी में दो आतंकवादी ढेर हो गए। सेना अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों का सफाया सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है।